हाय गाइज, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंड्रॉयड 12 के लेटेस्ट पिक्सल 5 डेवलपर प्रीव्यू 2.2 पोर्ट रोम के बारे में, जो कि रेडमी नोट 7 प्रो के लिए रिलीज़ हो चुकी है और इसको मैं एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ जो भी एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने चेंजेस नोटिस किए, वो सभी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर देना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ ला सकूँ। सबसे पहले चलते हैं इसके अबाउट फोन के ऊपर। अबाउट फोन के अंदर आपको मिलता है पिक्सल 5 डिवाइस नेम। अगर एक चीज यहां पे आप नोटिस करोगे, आपको अबाउट फोन कुछ इस टाइप से बोल्ड देखने को मिलता है। अगर यहां से आप स्वाइप अप करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपका जो है एंड्रॉइड 11 टाइप हो जाएगा। अगर आप इसको इस टाइप से रखना चाहते हो तो कर सकते हो। ये चीज आप सभी सेटिंग के ऊपर कर सकते हो, आपको आगे भी दिखाऊंगा। बट सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर। यहां पे एस मिलता है, बट स्टिल एंड्रॉइड 11 का आपको ईस्टर एग इस रोम के अंदर मिल जाएगा। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको बिल्कुल लेटेस्ट अप्रैल 5 2021 का मिलता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको दिसंबर 1 2020 का मिलता है। उसके साथ कर्नल जो यहां पे यूज किया गया है वो है पिक्सल का, सो पिक्सल के साथ जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। उसके साथ आपको मिलता है सिस्टम अपडेटर, बट सिस्टम अपडेटर आपका इस रोम के ऊपर वर्क नहीं करेगा, एज ये वाली जो रोम है ये एक पोर्ट रोम है। यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ जस्टिस के अंदर, तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दी। अब आपको दिखाता हूँ सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पे 2 बटन आपको नहीं मिलता, डायरेक्टली 3 बटन मिलेगा। जो भी पिक्सल 5 फ़ोन के अंदर फीचर्स हैं वो सभी आपको इस रोम के अंदर मिलेंगे, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। कुछ जो है वो सिर्फ पिक्सल 5 के ही स्पेसिफिक हैं या फिर उसी के ऊपर वर्क करेंगे। आप देख सकते हो डबल टैप वगैरह, ये सभी फीचर्स ये हार्डवेयर रिलेटेड फीचर्स हैं और ये सिर्फ पिक्सल 5 फोन के ऊपर ही वर्क करेंगे। सिक्योरिटी के लिए आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। इंस्टेंटली आपका डिवाइस यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। आई थिंक कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला। एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाली जो लाइन है अनलॉकिंग पैटर्न वाली, अगर आप पैटर्न ट्राई कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, काफ़ी बोल्ड लाइन्स देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो क्लॉक है वो काफ़ी बड़ा है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको ऊपर एक जो है विजेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको वेदर और यहाँ पे जो है डे और क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सो ये चीज़ आप नोटिस करोगे जब आप इस रोम को यूज़ करोगे। बाकी आपको काफ़ी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेंगे, इनको आप जब यूज़ करोगे तो डेफिनेटली पता चलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे वेदर वगैरह का क्लॉक विजेट या फिर आप देख सकते हो सब कुछ आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगा, कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। अब आगे चलते हैं और आपको मैं चीज़ें और चेक करवा देता हूँ। प्राइवेसी के अंदर आपको सभी चीज़ें मिलती हैं। प्राइवेसी मैनेजर आपका कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। माइक्रोफोन की आप परमिशन वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको मिनिमल चेंजेस के साथ देखने को मिलेगी। जल्दी चीज़ें आपको नोटिस भी यहाँ पे नहीं होने वाली। और स्टाइल एंड वॉलपेपर आपको बाहर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आपको प्री स्टाइल देखने को मिलता है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। पिक्सल 5 के लाइव वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, डेफिनेटली इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपको ग्रिड मिलता है वो क्रॉस आपको 5x5 तक देखने को मिलता है, बट बाय डिफॉल्ट आपका 4x4 तक यहाँ पे जो है सेट रहता है, तो आप इसको चेंज कर लेना जब आप रोम फ्लैश करोगे। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग है, मैंने चेक किया था। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। उसके साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली 30 मिनट्स तक मैक्सिमम कर सकते हो। और डार्क थीम आपका कुछ इस टाइप से वर्किंग है। अब ये थीमिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा वियर्ड है, आपको मैं बताऊंगा कैसे। जैसे ही आप कोई वॉलपेपर डिफरेंट सेट करोगे तो उसी वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपका वॉलपेपर का कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे थीमिंग हो जाएगा। कुछ इस टाइप से मैंने फिलहाल यहाँ पे वॉलपेपर ये चेंज कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से UI हो चुका है। अगर मैं कोई डिफरेंट वॉलपेपर यूज करूंगा तो ये सारा जो थीमिंग वाला सेक्शन है या फिर ये UI है ये सारी टोटली उसी कलर से यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी वियर्ड लगती है, मुझे ये कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। आप कमेंट करके बताना कैसा आपको ये चीज़ लगा। इंक्रीजेस टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन है, टैप टू वेक वर्किंग है, मैंने चेक किया था, सो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और AOD भी आपका वर्किंग है, मैंने ये चीज़ भी चेक की थी, काफ़ी अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें वर्किंग मिल जाएंगी। अब कुछ और चीज़ों की बात करेंगे तो बैक आ जाते हैं। उसके साथ आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ये सभी कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके साथ आपको यहाँ पे टच साउंड्स वगैरह ये सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगी, कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलते। स्टोरेज के अंदर भी सेम आपको चेंजेस नहीं मिलते, सेम एज इट इज़ देखने को मिलेगा।
बैटरी मैं इसको 100% से जो है यूज़ कर रहा हूँ, और 100 तो नहीं आप देख सकते हो, थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है, बट मैं इसको जो है कल रात से यूज़ कर रहा हूँ, और बैटरी बैकअप फ़िलहाल मैंने एक बार भी इसको चार्ज नहीं किया, स्टिल 36% के ऊपर है। हॉटस्पॉट वगैरह मैंने यूज़ किया सारा दिन, कोई मुझे इशू नहीं आया। कुछ इतने ऐप्स मैंने यहाँ पे ट्राई किए, पबजी वगैरह भी खेल के देखा, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, कोई मेजर बैटरी का आपको इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। बैटरी सेवर इनेबल कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर सकते हो, उसके साथ आपको व्यू बैटरी यूसेज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पहले ऊपर टॉप के अंदर होता था 3 डॉट के अंदर। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर हो चुका है। नोटिफिकेशंस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, बबल्स वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी आपको सेम एज इट इज़ वही देखने को मिलेगी। ऐप्स आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, कनेक्टेड डिवाइसेस, इंटरनेट एंड ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऊपर आपको एक्सप्लोर पिक्सल टिप्स का एक ऑप्शन मिलता है, और ये कुछ सेटिंग्स का ओवरऑल UI यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 12 के ऊपर। अब आते हैं इसके लॉन्चर के ऊपर, जो यहाँ पे लॉन्चर मिलता है, पहले आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर होम सेटिंग वाला सेक्शन था वो ऊपर मिलता था, बट अभी आपको नीचे देखने को मिलता है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शंस मिलेंगे, सिमिलर है एंड्रॉयड 11 जैसे ही, और एंड्रॉयड एस वर्जन आपको मिलता है। ऐप इन्फो के अंदर जाओगे तो कुछ इस टाइप से UI आपको ऐप इन्फो की देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट सभी ऐप्स के लिए। और रीसेंट्स की अगर बात करें तो रीसेंट्स के अंदर आपको ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन, फ्री फॉर्म सभी चीज़ें मिल जाते हैं। नीचे स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट का भी ऑप्शन है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। सिलेक्ट वाला ऑप्शन आपका वर्किंग है, उसके साथ आपका स्क्रीनशॉट भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, तो देख सकते हो। शेयर और आप इसको एडिट कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पे ऐप ओपन या फिर क्लोज़ की जो है स्पीड देखें, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी मिलती है, कोई लैग नहीं आएगा, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। स्टिल ये वाला जो रोम है ये एक डेवलपर प्रीव्यू है, ना ही बीटा वर्जन है, उससे भी जो है थोड़ा आप इसको बोल सकते हो कि कम लेवल का है, तो यहाँ पे आपको थोड़े माइनर बग्स फेस करने पड़ेंगे, बट मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी है इसके, और ऐसे कोई मुझे मेजर इशू नहीं आया, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको यूज़ किया। अगर आप इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एक चीज़ आपको और मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो सर्च बार है, जब आप यहाँ पर रिसेंट मेन्यू ओपन करोगे तो ये आपका बैक के अंदर चला जाएगा उस ऐप के ऊपर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, आप ज़रा नोटिस करना इसको। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो ये यहां से ऊपर चला जाता है, आप ये फिर से देख सकते हो। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हो काफ़ी कूल यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और ये कुछ आपको रीसेंट्स मेन्यू यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर ऑल का बटन है, लेफ्ट साइड के अंदर गूगल कार्ड्स का ऑप्शन है, तो ये भी आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको मैं और बता देता हूँ, लाइक जो आपका डिवाइस है वो आपको नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, सो मैन्युअली आपको इसको जो है रूट की मदद से सर्टिफाइड आपको करना पड़ेगा। मैजिस का आप यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो, उस मैजिस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसके थ्रू आप इसको रूट कर लेना, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। अटेस्टेशन आज तो यहाँ पे सबका जो है एरर आ चुका है, बट ये वाला मैंने कल से यहाँ पे इसको चेक किया था, अटेस्टेशन आपका फेल आ जाएगा, आपको मैजिस मैनेजर को हाइड वगैरह करना पड़ेगा अगर आप बैंकिंग ऐप्स यूज़ करना चाहते हो इस रोम के। गाइस इस रोम के अंदर आपको कुछ ऐसे हिडन एंड्रॉयड 12 के फीचर्स हैं जो आपको एक मेथड के थ्रू ही एक्टिवेट करने पड़ेंगे, तो वो आपको मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, बट आपको मैं यहां पे सबसे पहले चेक करवा देता हूं इसका UI। सो अगर आप नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो आपको यहां पे सब कुछ वर्किंग मिल जाएगा, फ्लैशलाइट वर्किंग है, उसके साथ ब्लूटूथ आपका वर्किंग है, DND आपका वर्क करता है, वाईफाई आपका वर्किंग है, ऑटो रोटेट आपका वर्किंग है, आपको मैं दिखा देता हूं, ऑटो रोटेशन आपका वर्किंग है, मैंने इसको चेक किया था, बैटरी सेवर मिल जाता है, एरोप्लेन मोड, नाइट लाइट आपका वर्क करता है, कोई भी आपको यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली, उसके साथ लोकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वर्किंग है, ये भी मैंने चेक कर लिया, तो ऑलमोस्ट जितने भी चीजें आपको टॉगल्स मिलते हैं सभी वर्किंग है। डार्क मोड के अंदर आपका UI कुछ इस टाइप से आपको देखने को लगेगा, और अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो डार्क थीम आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको वियर्ड सा कलर देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्राइटनेस स्लाइडर अगर आप चेक करोगे तो इतना बड़ा आपको इतना मोटा ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिलता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। उसके साथ आपको हॉटस्पॉट वर्किंग मिल जाता है। एक चीज आप नोटिस करोगे, यहां पे मैं जैसे ही कोई टॉगल को इनेबल करता हूं तो आपको एक मैजिकल यहां पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, सो यहां पे देख सकते हो, ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, काफी अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई ये चीज।
तो देख सकते हो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब यहाँ पे अगर आप बात करें सिक्योरिटी की, तो आपको वाइडबैंड L1 मिल जाता है, उसके साथ कैमरा अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे GCam 8.1 यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। मैक्सिमम जो वीडियो क्वालिटी है वो 4K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी आपको वीडियो क्रैशिंग का इशू नहीं आने वाला। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। स्लो मोशन भी इस कैमरा के ऊपर वर्किंग है, सो नो डाउट आपको यहाँ पे कैमरा के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्टिल आपको यहाँ पे GCam को ही यूज़ करना पड़ेगा इस रोम के ऊपर। तो कुछ चीज़ें और आपको मैं बता देता हूँ एंड्रॉयड 12 के रिलेटेड। मैंने Antutu बेंचमार्क रन करने की कोशिश की, बट यहाँ पे जो है ये रन नहीं होता, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। गेमिंग के लिए आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो, एक जो है एवरेज टाइप आपको गेमिंग मिलेगी। गेमिंग मैंने ट्राई करके देखा, TDM ही बेसिकली खेला था। मुझे पता है कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के ऊपर आप कुछ खास गेमिंग नहीं कर सकते, बट काफ़ी अच्छी गेमिंग आप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते या फिर काफ़ी सारा लैग देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलती। काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग भी साथ में कर सकते हो। उसके साथ Antutu बेंचमार्क तो आपको मैंने बता दिया, बट जो परफॉर्मेंस है एक्चुअली के अंदर, अगर आप इसको यहाँ पे डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे इशू नहीं आने वाला, कोई लैग आपको ज़्यादा यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला पोर्ट। तो डेफिनेटली आपके क्या पॉइंट्स हैं, क्या ओपिनियंस, आप कमेंट करके जरूर से बताना। ओके गाइज, अब इस रोम के फ्लैशिंग मेथड की बात करेंगे, तो सिंपल क्लीन फ्लैश करना है। जस्ट एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वो है SD कार्ड। अगर आप SD कार्ड यूज करते हो अपने नोट 7 प्रो के अंदर, तो उसको रिमूव कर देना, और जब आप इसको फ्लैश कर लो उसके बाद भी मत डालना, क्योंकि एंड्रॉयड 12 के साथ यहाँ पे SD कार्ड का काफ़ी बड़ा इशू है। मैंने नोट 5 प्रो के अंदर चीज़ें काफ़ी फेस की है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको मत यूज़ करना SD कार्ड। आप एक बार निकाल के बाहर रख देना, डेटा वगैरह कहीं और पे यहाँ पे स्टोर कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है लेटेस्ट चाइना वीकली फर्मवेयर को फ्लैश करना होगा, उसके बाद आपको रोम की फाइल को फ्लैश करना होगा, और रोम की फाइल काफ़ी ईजिली फ्लैश हो जाएगी, जल्दी ही फ्लैश हो जाएगी। ये मत समझ कि आपकी जिप है वो करप्ट हो चुकी है। उसके साथ आपको Fcrypt डिसेबलर को फ्लैश करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो है डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। अब रीस्टार्ट करने के बाद अगर आप मैजिस्क फ्लैश करना चाहते हो, अगर ये वाला स्टेप आपको मैं बताता हूँ जो मैजिस्क के बाद में है, अगर आप यहाँ पे जो है चाहते हो कि एंड्रॉयड 12 के हिडन फीचर्स आप यहाँ पे इंजॉय करो, तो इस चीज़ को कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ जो है फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब देख सकते हो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मैजिस्क, ये वाला मैजिस्क मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, इसको आप फ्लैश कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैजिस्क के अंदर ये तीनों फाइल्स हैं, इनको आपको जो है फ्लैश कर देना है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लैश कर रखी हैं, और ये रहा मेरा मैजिस्क मैनेजर, उसके साथ आपको मैं दिखा देता हूँ। सो एक है एंड्रॉयड 12 एक्सटेंशंस, उसके बाद Riru LS Post, ये आपको ये देखने को मिलते हैं। तो तीनों को आप जो है इंस्टॉल कर लेना मैजिस्क के अंदर, उसके बाद डिवाइस रीस्टार्ट कर लेना। अब एक चीज़ आपको और करनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जब तीनों आप इंस्टॉल कर लोगे रीबूट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, उसके बाद आपको ऐप्स देखने को मिलेंगे, एक एंड्रॉयड 11 रेस्ट्रिक्शन वाला और एक LS पोस्ट वाला। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको आना है LS पोस्ट के अंदर, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर, उसके बाद एंड्रॉयड 12 एक्सटेंशंस, देन क्लिक ऑन 3 बटन, सिलेक्ट सिस्टम ऐप्स, देन इनेबल सिस्टम UI और सिस्टम जो आपका फ्रेमवर्क लिस्ट है। तो ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ कैसे करनी है। आपको सबसे पहले आना है LS पोस्ट के अंदर, तो ये हमारा आ चुका है। उसके बाद आना है मॉड्यूल्स के अंदर, यहाँ पे एंड्रॉयड 12 एक्सटेंशंस आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको इसको इनेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इनेबल मॉड्यूल, और ये जो ऑप्शंस है दोनों आप देख सकते हो, सबसे पहले सिस्टम फ्रेमवर्क और सिस्टम UI, इन दोनों को आपको इनेबल कर देना है। अब इनेबल कर दोगे उसके बाद आपको अपना डिवाइस रीस्टार्ट करना है। एक बार रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको ऐप और देखने को मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो ये रहा हमारा एंड्रॉयड 12 एक्सटेंशंस, ये सभी जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं इनको सभी को आपको जो है यहाँ पे टिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका टिक रहने वाला है। और इनेबल करने के बाद आप देख सकते हो, अगर आपका इनेबल नहीं होता तो आप इसको इनेबल कर देना, और उसके साथ अप्लाई चेंजेस हो जाएगा और डिवाइस आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यही चेंजेस आपको करने हैं, उसके बाद आपको एंड्रॉयड 12 के हिडन फीचर्स इस रोम के ऊपर मिल जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये सभी चीज़ें काफ़ी इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई आपको यहाँ पे इशू नहीं आने वाला। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।